स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 हम लोग पढ़े आपका चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी, जिसमें मीनिंग एंड डेफिनेशंस पढ़ेंगे टोटली ट्रूइंग गवर्नमेंट की, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के जो सरकार है बच्चों उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टोटली ट्रूइंग गवर्नमेंट। इन टोटली ट्रूइंग गवर्नमेंट रेज्यूमे दिस स्टेट इज ओमनीपोटेंट एंड द होल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। यहाँ पे किसी भी खास, ये इस तरह की सरकार होती है कि देश के किसी भी नागरिक का पूरा जीवन उस देश को समर्पित होता है। ठीक है, देश के नागरिक का पूरा जीवन उस देश की सरकार के कंट्रोल में रहता है। द इंडिविजुअल्स ओन विल सीज टू एग्जिस्ट एंड ही लिव्स एंड डाइज फॉर द स्टेट। वो अपना जीवन जो उसकी जो इच्छाएं है वो भी राष्ट्र के लिए होती है और उसकी मृत्यु जो है वो भी राष्ट्र के लिए होती है। द स्टेट कैन इंटरफेयर इन एवरी स्पेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ सच एज इकोनॉमिक मॉरल कल्चर पॉलिटिकल एक्सेट्रा। यानी कुल मिला के बच्चों इस प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है टोटली टेरियन गवर्नमेंट जो होती है इसके अंदर पूरा जितना भी वर्चस्व है वो सारा सरकार का है। सरकार ही अपनी इच्छा से नागरिकों का पूरा जीवन कंट्रोल करती है, चाहे वो इकोनॉमिक मैटर हो, चाहे वो रिलीजियस मैटर हो, चाहे वो कल्चरल मैटर हो, सारे मामले में सरकार दखलअंदाजी कर सकती है। इसको कह सकते हैं बच्चों दखलअंदाजी की सरकार, इसको हम कह सकते हैं दखलअंदाजी की सरकार। कुल मिला के सरकार हर मामलों में इंटरफेरेंस करती है। टोटली ट्रेन रेज्यूमे द गवर्नमेंट इज रन ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी एंड इट बिलीव्स इन वन पार्टी रूल। एक तो दो चीजें होती हैं, सरकार कुछ अपनी एक सोच बना लेती है, आइडियोलॉजी बना लेती है, उसी पे वो काम करती है और उसी रूल पे वो चलती है। और दूसरा इसका सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, यहाँ पे एक तो पहला तो अपनी विचारधारा पे सरकार बनती है और यहाँ पे वन पार्टी रूल होता है बच्चों, है ना। कोई भी एक पार्टी होती है वो अपना रूल, उसके मेंबर जरूर बदल सकते हैं, रूलिंग मेंबर जो है वो बदल सकता है, लेकिन वन पार्टी रूल होता है। दस वी कैन से दैट टोटली टेरियंस एक्सेप्ट the supremacy of the state and bring the whole life of an individual under the control of the state। इसके तीन अपन गुणधर्म लिख सकते हैं बच्चों। पहला क्या लिखेंगे own ideology, है ना, own idea। चलिए हम easily समझते हैं, own idea पे चलती है, उसकी एक विचारधारा होती है उस पर चलती है। दूसरा one party rule होता है यहाँ पे, ठीक है, one party rule होता है। और तीसरा यदि हम कहेंगे बच्चों, तीसरा इसका मेन फीचर हम कहेंगे कि सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट होती है, सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट होती है, मतलब राज्य जो है वो सर्वोपरि है, है ना। इसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई नागरिक नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई आजादी नहीं है, कुछ नहीं है, राज्य नेशन सबसे ऊपर है। तो ये तीन इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। इंडिविजुअल अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, द existence of diverse political ideologies and different political party is rebuffed, only one political ideology and one political party is recognized while opposition is mercilessly subdued यानी बिल्कुल निर्दयता पूर्वक जो कोई अपोजिशन हो जाता है, यानी एक पार्टी की, जैसे बच्चों चाइना की भी बात करें अपन तो इस तरह की सरकार है वहां पे, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनकी सरकार है चाइना में भी। तो यहाँ पे ऐसे दूसरी कोई पार्टी खड़ी होने की कोशिश करती है, जैसे भारत में देखो तो आम आदमी पार्टी मिल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी मिल जाएगी, बसपा मिल जाएगी, कांग्रेस मिल जाएगी, अलग अलग पार्टीज हैं बच्चों भारत में, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है कई वर्षों से ही अपना रूल करती हुई आई है, और यदि कोई और पार्टी वहाँ पे खड़ी होती है या अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश करती है तो उसका दमन कर दिया जाता है। तो हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट की, ठीक है। अब इसमें पहला है कम्युनिस्ट टोटलिटेरियनिज्म, फैसिस्ट टोटलिटेरियनिज्म और नाजी टोटलिटेरियनिज्म। ये कुल मिला के बच्चों ये है कि अलग अलग देशों में किस तरह की टोटलिटेरियन गवर्नमेंट जो थी, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट थी वो किस प्रकार अलग अलग देशों में आई और जिस प्रकार की सरकार बनी वहां पे ऐसे ऐसे नाम रखे गए, जो पार्टी अस्तित्व में थी उन पार्टी के नाम पे इस टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट जो थी उसका प्रकार रखा गया। द फर्स्ट वन, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म आर एज फॉलोज। फर्स्ट कम्युनिस्ट टोटलिटेरियनिज्म, कम्युनिस्ट टोटलिटेरियनिज्म क्या है ये हम इसको पढ़ेंगे। सेकेंड है फैसिस्ट टोटलिटेरियनिज्म, थर्ड है नाजी टोटलिटेरियनिज्म,
अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म इज गिवन बिलो. पहला हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे बच्चों कम्युनिस्ट टोटलिटेरियनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ अस्तित्व में थी और किस प्रकार यहाँ पे रूल चलाया गया. There was a rapid spread of communism in the world after the Russian Revolution 1917. आप बच्चों earlier classes में जाएंगे, 9th में आएंगे तो आप Russian Revolution के बारे में पढ़ेंगे. 9th class में आपको पता चलेगा कि 1917 में रशिया में revolution हुआ. उस revolution के बाद विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों में ये जो communist totalitarianism जो थी इस प्रकार की सरकार का अस्तित्व आया. Communist considered capitalism to be the root cause of all evil in the society. Communists क्या मानते हैं कि capitalism यानी पूंजीवाद, capitalism को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, पूंजीवाद कहते हैं. तो पूंजीवाद जो है वो society का, समाज का दुश्मन है कि कुछ लोग जो है वो पैसे वाले हो जाए, कुछ लोग गरीब हो जाए, समाज डिसबैलेंस हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. कम्युनिस्ट लोग जो है वो ये मानते हैं, ठीक है, ये उनकी सोच है, ये उनकी आइडियोलॉजी है. Therefore, they believe in doing away with the capitalism and thereby establish a classless society. बहुत important चीज है बच्चों. ये लोग क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? Classless society जो है, उसका अस्तित्व मनाते हैं. यानी वर्ग नहीं होता समाज में. ये उच्च वर्ग, ये मध्यम वर्ग, ये निम्न वर्ग जैसा भारत में ऐसा नहीं होता है. ठीक है? ये लोग कहते हैं कि सब बराबर हैं. कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब बराबर है सबका. चाहे वो करोड़पति आदमी होगा तो भी उसकी वैल्यू बराबर है उस देश में, और गरीब होगा तो भी उसकी वैल्यू उस देश में बराबर है. क्लासलेस सोसाइटी. कार्ल मार्क्स, अ रिनोम्ड जर्मन स्कॉलर, इज रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ साइंटिफिक कम्युनिज्म एंड हिज व्यूज आर अवेलेबल इन हिज वर्ल्ड फेमस बुक्स दास कैपिटल एंड द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी. ये दो बुक्स हैं बच्चों जिसमें कार्ल मार्क्स जो है एक बड़े दर्शन शास्त्री हुए, लीडर भी हुए, तो उन्होंने ये जो विचारधारा जो थी कम्युनिस्ट पार्टी की वो रखी और उन्होंने अपनी जो सोच थी, अपनी जो विचारधारा थी इन किताबों में लिखी, दास कैपिटल एंड द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी. कम्युनिस्ट एक्सहोर्ट वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव अ नथिंग बट योर चेन टू लूज. कम्युनिस्ट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय द कैपिटलिज्म थ्रू द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेट्रेंट ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. वो लोग क्या करना चाहते थे बच्चों, जो पैसे वाले जो लोग थे उनकी तानाशाही कम करना चाहते थे कुल मिला के. ठीक है? कम्युनिस्ट ये चाहते थे कि पैसे वालों का जोर समाज में होना नहीं चाहिए. दे बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन पार्टी, और वो ये भी चाहते थे कि एक ही पार्टी जो है पूरे देश में अस्तित्व में आए, दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी एंड डू नॉट टॉलरेट अपोजिशन. और वो लोग कोई भी विरोधी पार्टी को सहन नहीं करेंगे. दे आर इन द फेवर ऑफ टीचिंग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी टू अचीव दिस गोल यूजिंग रेडियो टेलीविजन. अब वो लोग अपनी कम्युनिस्ट जो सोच थी वो रेडियो टेलीविजन अलग अलग जो मीडिया के जो साधन थे बच्चों उसके द्वारा वो लोग अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाते थे. और प्रेस. कम्युनिस्ट टोटलिटेरिज्म हैड अ फुल स्वे इन द कंट्रीज लाइक रोमानिया. अब ये कहाँ कहाँ स्प्रेड है बच्चों, आप इसको अंडरलाइन करेंगे. कहाँ कहाँ देखिए, रोमानिया, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, सोवियत यूनियन, वियतनाम एक्सेट्रा टिल 1979 तक इन सारे देशों में कम्युनिस्ट टोटलिटरिज्म जो है, ठीक है, वो जो पार्टी जो थी वो इस तरह की सत्ता जो थी वो वहां पे मौजूद थी. वेयर इज इट्स इन्फ्लुएंस हैज withered away in all these countries except China and Cuba. अब क्या है बच्चों, बाकी सारे देशों में इस कम्युनिस्ट जो पार्टी जो है एक तरीके से के जो कम्युनिस्ट सरकार जो है वो हट चुकी है, लेकिन चाइना और क्यूबा में अभी भी ये कम्युनिस्ट टोटलिटेरियनिज्म जो पार्टी है या इस तरह की जो सरकार है अभी भी चाइना और क्यूबा में इस तरह की सरकार मौजूद है. आगे बात करेंगे बच्चों फैसिस्ट टोटलिटेरियनिज्म की, जो हम नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे. आई होप आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन टोटलिटेरियन गवर्नमेंट समझ में आ गया होगा, कम्युनिस्ट टोटलिटेरियनिज्म जो सरकार है उसके बारे में समझ में आ गया होगा. क्या फीचर्स हैं इनके, इनकी अपनी ओन आइडियोलॉजी है बच्चों. ये वन पार्टी रूल चाहते हैं, ये सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट चाहते हैं. सबसे बड़ा राष्ट्र है, राष्ट्र से आगे, राष्ट्र के आगे कुछ नहीं. गरीब अमीर सब बराबर है, इनको अपोजिट पार्टी नहीं चाहिए, ये एक ही पार्टी चाहते हैं. ठीक है? और उन्हीं का रूल चाहते हैं. ठीक है? ये लोग कैपिटलिज्म के खिलाफ काम करते हैं, पूंजीवाद के खिलाफ काम करते हैं. ठीक है बच्चों? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फैसिस्ट
टोटलिटेरियनिज्म जो है हम लोग नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।